दोस्तों, पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का विकास तेजी से हो सके, इसको लेकर तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को फंड आवंटन कर सके इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बहुत सारे वार्डों में विकास कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आप दर्शकों द्वारा कमेंट किया गया है कि अभी तक बहुत सारे पंचायतों में गली नली योजना का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। मोती अहमद के अनुसार अभी तक 200 वार्डों में गली नली योजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मनोज सहनी का कहना है कि मुखिया मनमानी करे तो क्या करे। सर, अगर आपके यहाँ मुखिया प्रतिनिधि द्वारा मनमानी किया जा रहा है तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत कर सकते हैं और उसकी छाया प्रति जिला पदाधिकारियों को भी दे सकते हैं। पंकज कुमार, बछवारा प्रखंड के रानी पंचायत वार्ड संख्या 2 में कुछ काम नहीं हुआ है। मुखिया प्रतिनिधि द्वारा कोई काम नहीं करने दिया जाता है। प्रीति यादव का कमेंट है कि स्वच्छता पर काम हो रहा है, अच्छा है, पर इसके साथ साथ बाल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, गांव में बाल विकास को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। राजेश यादव भगवानपुर प्रखंड से है, आपका कहना है कि आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। बनो सोही पंचायत के वार्ड संख्या 10 की बात कर रहे हैं। सर, आप किस जिला से हैं, क्लियर कीजिए, फिर आपको सही जानकारी दी जाएगी। वार्ड सचिव संघ के द्वारा दुर्गा पूजा के बाद फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। इस पर प्रदीप कुमार का कमेंट है कि फिर से मार खिलाने का उपाय किया जा रहा है। रिशु यादव कहते हैं कि वार्ड सचिव को लेकर समस्या है, मुखिया प्रतिनिधि चाहते हैं कि वार्ड सचिव उनके पक्ष का आदमी हो, जबकि ऐसा नहीं करना है। वार्ड सभा लगाकर ही वार्ड सचिव का चुनाव करें। संजय सहारा द्वारा कमेंट है कि आपके यहाँ से 4 किलोमीटर दूर स्कूल है तो बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाए। विकास कार्यों को लेकर आपका कहना है कि सब दिखावा है, आज तक आपके गांव में मुखिया द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। सर, आप अपना पूरा पता कमेंट करके जरूर बताएं। आपके यहाँ की जो समस्या है उसको अपने चैनल के माध्यम से उजागर करने का प्रयास करूंगा। मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो लखीसराय जिला के 13 पंचायत गुनली से है, आपका कहना है कि जो वहाँ नेता है वो विपक्ष के नेता है और विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए नेताओं का आगमन होता है। मोहम्मद हरीश, जो पूर्णिया जिला से हैं और वो आप वार्ड सदस्य हैं, आपका सवाल है कि सोलर कब तक लगेगा। सर, जब लगेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मोहन कुमार राय, अनुरक्षक का पैसा नहीं मिला है। सर, आप अपना पूरा पता बताएं तो सही जानकारी मिल जाएगी। नल जल योजना के अनुरक्षक संघ द्वारा कमेंट किया गया है कि जमींदाता को अनुरक्षक बनाओ, नहीं तो परिणाम खतरनाक होगा। कृष्णानंद कुमार, दरभंगा जिला के बेहरी प्रखंड गंगदाह पंचायत के वार्ड संख्या 4 के अनुरक्षक है, आपको पैसा नहीं मिला है। तो और भी बहुत सारे दर्शक बंधुओं द्वारा कमेंट किया गया है जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आपके द्वारा जो कमेंट किया जाता है उससे आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं उजागर होती है और सरकार की भी उस पर ध्यान जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को भी बारीकी से देखने का काम किया जाता है और उसका निष्पादन तुरंत हो सके इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो आपके यहाँ भी ऐसी कोई समस्याएं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।